तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल था यहाँ पर कि जो बिहार एसएससी का तो जो थर्ड लेवल का जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो बिहार एसएससी में कौन सा फॉर्म यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है, यानी कि जो जितने भी आरक्षित वाले लोग हैं तो उन सभी का एक सर्टिफिकेट लग रहा है, जिसको ओबीसी एनसीएल जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इनमें सभी कैटेगरी को लगने वाला है, इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ में पेमेंट कितना लगेगा, आरक्षण कितना है और कब तक इसका लास्ट डेट है, और यहाँ पर अप्लाई का पेमेंट कितना लगेगा, मैं इसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे बेटर आपको सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा मैं जानकारी इसके बारे में दूंगा जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, उस डॉक्यूमेंट का मैं कंप्लीट जानकारी पहले मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ ये नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन के आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है 14/4/2022 और लास्ट डेट यहाँ पर 17/5/2022 तक है इसमें, जो यहाँ पर कोटिवार के आरक्षित कोटिवार के संबंधित से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर सीट के बारे में नहीं बताऊँगा, यहाँ पर बताऊँगा डिटेल्स आपको केवल कि यहाँ पर किसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर बताऊँगा। जो दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी लोग अपना अपना सर्टिफिकेट रखेंगे, जो यहाँ पर बताया गया है जो दिव्यांग के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर योग्यता यहाँ पर दर्शाया गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों को सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के समर्पित में यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के नियत प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आप अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, अगर उस कैटेगरी का अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपको कोई फिर बाद में आपको यहाँ पर मान्यता इसका नहीं दिया जाएगा कि आप इस कैटेगरी से हैं तो आपको ये कैटेगरी दिया जाए। तो जिस समय आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय ही कैटेगरी आपको चूज करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे बिहार अधीन 15/2003 मूल के अधोक अलोक में राजधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। यानी आप अगर बिहार राज्य से हैं तो बिहार राज्य को ही केवल यहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा। अगर अदर व्यक्ति होंगे जैसे कि बिहार के अलावा अदर स्टेट से होंगे तो उनको लाभ ये नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ में और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पर नंबर स्थिति तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकरण पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब कि आपको निवास प्रमाण पत्र जरूरत है देना। आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, तो उन सभी के यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर देना अनिवार्य होगा। और नीचे आएंगे यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो भी लोग होंगे आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन करते समय कॉलम में करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर जिस कोटि से हैं, यानी जिस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी से जब ऑनलाइन कर रहे हो तो उसी टाइम में आपको यहां पर बताया गया है कि उस टाइम आप उसी कैटेगरी का यहां पर केवल दावा करेंगे, यानी कि अन्य कोई श्रेणी का, अगर अदर कोई श्रेणी का अगर दावा करते हैं तो आपको वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो ये वाला कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उनके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यानी कि जाति प्रमाण पत्र देना होगा एक, और आपको एक निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और जो पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे उनके लिए यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास भौतिक रूप से यानी कि एक फिजिकल कॉपी के रूप में आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्देश कॉलम में अंकित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो एनसीएल सर्टिफिकेट होगा यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, या क्रीमी लेयर रहित यानी कहने का मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट,
यानी कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यही सर्टिफिकेट है। कोई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो इसका डाला हूँ नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और नन सर्टिफिकेट जल्दी बनाने के लिए वो एक दो वीडियो मैं डाउनलोड अपलोड किया हूँ अपने चैनल पर, जो वहाँ पर आपको बनाने के लिए बताया हूँ और जल्दी प्राप्त करना है एक दो दिन में, तो उसके लिए भी मैं बताऊँ। चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से देख लेंगे अगर नहीं देखे होंगे तो। यहाँ पर आप ध्यान दें कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित यानी कि नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तावित करना आवश्यक होगा। एक वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की स्थिति में विवाहित इतना पत्र घोषणा करना हो, यानी कि अगर आपको अगर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर 1 साल से अगर अधिक हो गया है, तो फॉर्म नंबर 18B आपको वहाँ पर घोषणा देना होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ कि नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट NCL आपको बनाना होगा। यानी कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट लेवल में होता है, आपको स्टेट लेवल में आपको OBC बनाना है स्टेट लेवल का, यानी कि बिहार से है तो बिहार गवर्नमेंट का एक नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है, जिसको OBC बिहार लेवल का बोला जाता है, उसको आपको बनाना होगा। जैसे बिहार में यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर जैसे कि जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी में यहाँ पर दो को चेंज हो जाता है, जैसे कि EBC और यहाँ पर BC1। तो यहाँ पर BC1 को यहाँ पर EBC में चेंज किया जाता है, और BC2 को EBC1 में चेंज कर दिया जाता है यहाँ पर स्टेट लेवल में आएंगे तो। और यहाँ पर SC ST के लिए तो वही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट यहाँ से, कि डॉक्यूमेंट आपको तो यहाँ पर बनाना है, तो डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको बनाना है जाति निवास, और यहाँ पर रखना है डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे, जो इस वाले कैटेगरी के होंगे, तो उनको आपको यहाँ पर बनाना होगा नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको बिहार लेवल का OBC सर्टिफिकेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि गवर्नमेंट लेवल का, गवर्नमेंट लेवल अगर बनाएंगे तो आपको OBC के अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ पर अगर स्टेट लेवल बनाएंगे तो EBC के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बनाना होगा जो वो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते होंगे, उनको लिए यहाँ पर NCL OBC सर्टिफिकेट बनाना होगा बिहार लेवल का। और जो जनरल कैटेगरी हो तो उनका जनरल तो है ही, उनका EWSA वर्क हो जाएगा। और जो यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होंगे, उनको कास्ट सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा, उनको कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो आपको जैसे कि जो ग्रेजुएशन लेवल तक का सभी डॉक्यूमेंट होगा, सभी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा उसका केवल डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा, और यहाँ पर डिटेल पूछने के बाद अपलोड भी किया जाएगा। साथ में जो भी अभी तक NCL सर्टिफिकेट बनाएंगे, OBC सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो सर्टिफिकेट जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो काउंसलिंग के टाइम सभी यही डॉक्यूमेंट आपको पूछा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखना जरूरी होगा। यहाँ पर आप एक बार पूरी तरह से खुद से भी रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अभी तक अपने अप्लाई नहीं किया हो, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ से आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा यहाँ पर, और नोटिफिकेशन वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यहाँ पर देखेंगे पेमेंट एज की बात किया जाए, तो एज कितना लगेगा यहाँ पर, एज यहाँ पर न्यूनतम एज सीमा यहाँ पर 21 साल कम से कम होना चाहिए, अधिकतम एज यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर एज आप देख पा रहे हैं एज अधिकतम कितना लगेगा। और यहाँ पर मैं पेमेंट की बात करूँ, तो पेमेंट यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि पेमेंट कितना आपको देना होगा। देखिए, यहाँ पर जो पेमेंट देना है यहाँ पर ये वाला कैटेगरी के होंगे अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए यहाँ पर 135 रुपये देना है, और श्रेणी के दिव्यांगों के लिए यहाँ पर 135 रुपये देना है, सभी महिलाएँ के लिए यहाँ पर 135 रुपये देना है, बिहार राज्य से बाहर के सभी लोग जितने होंगे उनको 540 रुपया देना होगा पेमेंट यहाँ पर। तो पेमेंट आप एक बार ध्यान से यहाँ पर देख लें किसको कितना पेमेंट लग रहा है। साथ में यहाँ पर परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर लग सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर लग सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वाले PDF को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। मैं जितना तक मतलब कंफर्म हुआ उतना तक मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में लेकर चल रहा था, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट जितने भी बिहार के लोग होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे, BC1 में या BC2 में आते होंगे, तो उनके लिए NCL OBC सर्टिफिकेट बनाना है, जो बिहार लेवल का है वो बना लेंगे और बनाकर अपना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और जो SC ST कैटेगरी से होंगे तो उनको जाति से ही केवल काम हो जाएगा, तो यहाँ पर जाति निवास रखना है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे तो वहाँ पर EBC सर्टिफिकेट और BC1 सर्टिफिकेट के लिए आपको NCL अप्लाई करना होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, सभी लोगों के शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो पाए। तो चलिए, जय हिंद।